गावेंद्राल पर्वत पर लाल को आप रख धन्या गाव है इंद्रा इंद्र इंद्राल इंद्राल कहने से 33 करोड़ देश से कर हो गया इंद्र भी कौन है 33 करोड़ देवता भी कौन है इंद्रा पावन प्रहलाद हे महाराज हे भगवान तुमको प्रहलाद वर्गे गाँवे है जेडे आत्मदर्शी हुए है आत्मदर्शी क्यों होया प्रहलाद प्रहलाद जेड़ा हरनाथ सिंह सी ना ये जय जय का अवतार सी तेरी कथा तो बहुत गहरी है मैं संकेत से ही बोल एक ने 14 पवन हरनाक्ष ने जित ले 33 करोड़ देवत्या सुख देन लग गया फिर 33 करोड़ देवते ने भजन करिया ते वाहिगुरु ने दर्शन दिता वो कहते दसो भाई देवियो क्या बात है वो कहते जी हरनाशक सानू दुख दिंदा वो कहते भी हरनाशक तो मैं राज नहीं हो सकता क्यों ने भी भजन करके लिया पर मैं इस भगत दे घरे पैदा करता है तो उन्होंने वो दुख दू तो फिर मैं खत्म करूं सतवचन प्रहलाद आदर करता भी जा उन्हें घरे जन्म लै हरनाथ जन्म ले लिया शुक्रा जी के कोल दंदा के लड़के पढ़ते थे प्रहलाद जी पढ़न लग गया हरनाक्ष कहता सी भाई जरे हरनाक्ष थले हरनाक्ष ते ठंडा मारका शुकरा जी का लड़का है और भी यह कहा भी तू ये पढ़ा वो जो लड़किया पढ़ा लग्या ना ते प्रहलाद भगवान का भजन करे राम राम तो फिर यह शुकरा जी के लड़के ने जाके हरनाक्ष हो गया वो कहता जी जिहड़ा तेरा पुत्र है वो तो तेरा ना ही नहीं जपता अभी वो की कहता है वो तो अभी कहता भी राम राम जो भगवान का नाम लो अच्छा हाँ प्रहलाद ने सद लिया वो कहते वो बेटा की पढ़ता हूं मैं वो कहते राम राम भगवान का नाम वो कहता वो तेन पता नहीं भगवान साडा दुश्मन है वो प्रहलाद कहता तुम्हारा होगा हमारा तो नहीं वो कहता फिर मैं सबसे बड़ा है वो कहता ओए ओ पिता तू बड़ा नहीं भगवान बड़ा है तू भगवान को भूल गया तेरी मृत्यु जेड़ी है जो ये गल कही ते हरनाक्ष ने बड़ा समझाया पर प्रहलाद ना समझिया जिस दिन ना समझिया फिर सारे लड़कियों को भी कहता कि हे बच्चियो तुसी मेरा कहा सुनो भगवान का सेवन करो मेरा पिता भगवान नहीं मेरा पिता भगवान का द्वारपाल है ते ये भगवान को भूल गया सारे बच्चे भगवान का नाम जपन लग गए फिर की होया अगे वो बेटा की पढ़ता है अगे राम राम भगवान का भजन वो कहता वो तेन मैं कतल कर दू मेरा पता नहीं तेन 14 पवन इधर आदक मेरे पानी भरते फिरते है वो केंद्र इधर पिता भरते हो गए और तू मैं की कदम करना मेरी आत्मा कभी मरी नहीं है मैं आत्मदर्शी है वो फिर कहता वो तेन पता नहीं मेरा प्रहलाद कहना मैं तो तेरा पता नहीं तू की है फिर प्रहलाद दसते हैं भी किसी
मुल्तान दे किसी पर्वत तो सिखिया पर प्रहलाद मरिया नहीं। फिर प्रहलाद जल च डुबोया पर डुबिया नहीं। फिर प्रहलाद ने शास्त्र ना कटिया पर प्रहलाद शास्त्र ना कटिया नहीं। फिर दसद भी आए थंभ टपा ले। फिर प्रहलाद थंभा ना लाया पर प्रहलाद के उन्होंने जल ने कुछ नहीं करया। चल डोबे ना अग्नि साड़े जिन्ना ने तेरा नाम जपया। जल डोबे ना अग्नि साड़े जिन्ना ने तेरा नाम जपया। जिन्होंने भगवान को जपया उन्होंने जल डोबता नहीं अग्नि साड़ती नहीं शास्त्र कटती नहीं। फिर प्रहलाद ने भगवान को याद करया जिहड़ा हरनाक्ष सी ना ये परमा तो वर ले सी भी ना बारह महीनों मरा ना 84 लाख जूत तो मरा ना 33 करोड़ देवते तो मरा ते पावे ना काल बनिया। फिर भगवान ने नरसिंह रूप धारिया ते 13वां महीना लौन का लाया। फिर जो दिन जहा छपा होया करोड़ों दसते हैं कि सूरज समान शक्ति प्रगट हुई है। तो जो भगवान बोले करते ना सब सब भजे हरनाक्ष का दिल धड़कन लग गया। कहता कि पकड़ो इसको। वो कहते जो तू नहीं पकड़ सकता तैन कहते होर भी कौन पकड़ो। खबर यह की है भगवान प्रगट हो गए अकाल पुरख। जो सूरज अंदर बाहर होया दसिया भगवान ने बेड़ी के विचारे मंदिर से वो कहते दस हो हरन कश्यप फिर दिन है रात अगे ना दिन ना रात अगे 12 महीनों चो कि महीना अगे कोई भी नहीं अगे 84 लाख जून चो मैं कौन है अगे कोई भी नहीं अगे 33 करोड़ देवते जो मैं है अगे नहीं। कहते जगह छोड़ दिया फिर भगवान ने अगे शास्त्र दसिया गुरु ग्रंथ साहब का भी कथन है। तो हरनाक्ष ने दसते हैं प्रहलाद का कि हरनाक्ष ने हरनाक्ष का नरसिंह भगवान ने नखा से पेट फाड़। फिर हरनाक्ष हसया वो कहता कि भगवान कहते हो हरनाक्ष तू हसना है। वो कहते जी मैं यो हसना है मेरी से इंद्र का युद्ध होया सी। इंद्र का जिहड़ा धनुषबाण है ना उसका 10,000 हाथी का बल है धनुषबाण च। अब मेरे अगे वो बचिया तो अगे वो 100 वर्ग के पिछे जाके डिगया तो अगर मेरी हानि है कि तू अगे नुहा नहीं है कि पेट मेरा फाड़ी जाता अज आगे मेरे भाव दुख गए फिर उस वे क्रोध के महा भगवान आ गए तो जोड़ा हरनाक्ष सी जी वो जोत सी वो आकाश को गल कर गई। जोत सचखंड के जा गई। भगवान जो क्रोध के आए तो जो क्रोध के आए तो त्रिलोकी तप उठी तपन लग गई। तो 33 करोड़ देवता बेनती कर आए भी अगे भगवान अगे बेनती करो भी जो क्रोध च थे सारी दुनिया जल के खत्म हो गई। 33 करोड़ देवत्या ने देखिया भगवान शांति ना हो जो ना हो फिर शंकर ने कहा शंकर से आए तो भी शांति ना हो। फिर लक्ष्मी ने कहा पर लक्ष्मी के आने से भी भगवान शांति ना हो। फिर 33 करोड़ देवते ने कहा भाई प्रहलाद की खातर अवतार लिया है उन्होंने कहो
देवते ने प्रहलाद को कहा, हे प्रहलाद तेरी खातर भगवान ने उतार लिया सूरत है। प्रहलाद सोने जे सरूप दे विच सी, भगवान नरसिंह दी उपल च जाके बह गया। फिर की किया, शांति शांति शांति, हे भगवान शांति करो, शांति शांति शांति, पागल शांति हांति हांति, बरसी बरसी शेरुरी हरे जाति जाति जाति, हे भगवान शांति करो, मैनू सारी दुनिया जानती है कि कहूगी प्रहलाद के किसी भी भगवान ने शांति नहीं करी। उस वे भगवान हस के हर दुनिया को शांति दो। तो कहते हो बेटा उस देवता की कुंते अवतार लेके हमको जपया और दस क्या चाहना है। वो कहते हे भगवान पहला मेरा वरदान है, मेरा पिता जी ने मेरे नाम करता ज्यादा मार के ना हो। वो कहता है बेटा जिस कुल में तुम वर्गी अवतार हो जा, कभी तुम्हारा पिता अति नरकों के जाने की अधिकार है, हो जाओ बेटा तुम्हारी गई की कुल होश हो तब। हे भगवान दूसरा भय जो है आज जेड़ी दुनिया है ना सारी, इन्होंने मैनू नक दे रहे हो, इन्हों वैकुंठ से वो कदे बेटा ये बात हो सकती है, ऐसे नहीं होती। हाँ वो कहते चंगा प्रहलाद तो जो तुमको दुखी दिसदा ना, नरसिंह कहते मेरे को विमान है और कुछ को लिया मैं उन्होंने वैकुंठ ले तेरे नाल। प्रहलाद देखने लग्या कि कौन दुखी है, एक सोयर थी वो महा दुखी प्रहलाद कहता भी यही लेके दे। तो प्रहलाद कहता हाथ बन के, वह कहता भी नरसिंह भगवान खड़े है, चलो चलो मैं कौन तू लै चला तैयार। वो सुन कहता हमारे बच्चे हैं, हम इसको पूछे बगैर कैसे वैकुंठ को जा सकते हैं। प्रहलाद ने कहा अच्छा पूछो। जो उन्होंने पूछा तो सोच कहता कि प्रहलाद हम नहीं चाहते वैकुंठ ले चले जाओ। फिर एक बुजुर्ग को गया प्रहलाद। प्रहलाद कहता वो बुजुर्ग तू देख कि दुखी है, तू शरीर छड़ गया है ते चल तेन भगवान नरसिंह जी बैठे है मेरे भगवान तेन वैकुंठ नहीं है चलना। वो कहता तू प्रहलाद कि हाँ। वो बुजुर्ग कहता देखो प्रहलाद बच्चों की बात ना कर, तू बच्चा है। कहता मेरे लड़के ने प्रणाम वाले है, मैं बड़िया खुशियां देखनी है, तेरे कहे मैं मर जा, ते जे मेरे लड़कियां नूं पता लग गया तेरे कुछ होर कहे जाए हो जाए। वो प्रहलाद भगत नरसिंह भगवान को भेज गया। वो कहते क्यों बई प्रहलाद, वो कहता महाराज कोई जाने को लिए जाने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हो बेटा 84 लाख जून च जिस चोले च पुरश है ना उस चोले च रहने की इच्छा करता है। वो बेटा मेरी माया इतनी परवल है जिसको ऋषि मुनि भी पा नहीं सकते, तो तू दस क्या कह। वो कहता हे भगवान
मैं तो यही चाहता हूँ तुम्हारे चरण कमल ना विस्थल भगवान कहते तथा तू ऐसे होगा। क्या बेटा जो तुम्हारी कथा को सुनेगा ना उसको अद्भुत का फल मिल जाएगा हमारा बाप ऐसे कह के भगवान अंतर्य अर्थ हो गए। प्रहलाद जी मंगान का चक्रवर्ती राज करके वैकुंठगामी हो गए खुद भी अजर हमारा। इसे भक्त ने क्या किया कहते गावरा बहुत प्रहलाद इंद्र वर्गी के सतगुर तेन खोती भगत प्रहलाद वर्गे तुमको गाँवे जेडे महाभगत हुए गाव इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानो। हे भगवान अर्थ मैं गुरसिख सिखो मैं इतों लिया भी आत्मदर्शी किसको कहते हैं प्रहलाद आत्मदर्शी सी और प्यारी सा संगत शास्त्र ने कटिया जल ने डूबिया अगन ने सारिया आत्मदर्शी कहते हैं जिहड़ा अनेक रूप धार सकता वो पुरश है आत्मदर्शी। हे वाहिगुरु के गावाद भगत प्रहलाद आत्म रस जिन जाने हे महाराज जिन्हां ने आत्मा के रस में जाने तुम्हें तो वो भी गाने है कल कल जस गावै गुर नानक राज जिन मान। हे महाराज मैं कल नामर कवि छोटी उस्तत करता हे सतगुर राज से योग तुमने कट्ठा माने जो गुरु नानक भी राजे भी सी जुगीश्वर अवतार भी सी गुरु दसवें गुरु पंजवें पातशाह उन्होंने तो दुनिया तो राजा कहड़ा वड्डा सी वो महाचक्रवर्ती भी सी विष्णु अवतार भी सी कहते कल कल सजा जा रहा है गुर नानक राज योग जिन माने हे गुरु राज के योग तुमने कट्ठा ही मानिया है मैं तुम्हारा यज्ञ करता रचना पवित्र करने के लिए ऐसे कालनामा कवि गुरु पंजवें पातशाह के अगे कहते हैं गाव है जनका जनका कि अर्थ हो जनक जनक हे वाहिगुरु वो भी सुनू गाते हैं किरतक जेडे जनक सी ना ये जिस वे माप लोग तो मिथिलापुरी का राज करते जेडे जनक जी सी जो माप लोग तो गए इन्हों कण गंधार लैन आए एक इंद्रपुरी है जानी सुरग है वे चार बूटे है एक तो सचखंड जाता एक इंद्रपुरी एक कबीरपुरी एक धर्मपुरी नरसा उ जो जनक जी गए ना तो वो वैकुंठ गंधार नहीं जाते वो कहते नहीं मेरा भगवान उसे खड़का कहते जी की गल वो कहते मैं नरका जाना गंधर्व कहते भगवान तुम तो ईश्वर हो नरका सौदा क्या काम वो कहते सुनो की पे नरका ले जो गुरु की पौन लगी ना सारा नरक किस सदा हो गए शांति 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 शांत जेडे दूत
ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਭਗਤ ਹੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗੁਪ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਆਇਆ ਉਹਨੇ 18 ਨਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੋਂ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੇ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਫਿਰ ਜਨਕ ਜੀ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 96,20,00,000 ਦੁਨੀਆ ਨਰਕਾਂ 'ਚ 96,20,00,000 ਦੁਨੀਆ ਨਰਕਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਿਵਰ ਭਰਿਆ ਕਵੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜ ਆ ਜਨਕ ਹੈ ਸਿਵਰ ਕੀਓ ਕਵੀ ਏਕ ਘੜੀ ਕੇ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਪਾਪੀ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਮਨ ਐਸੀ ਘੜੀ ਸਿਮਰ ਲੈ ਪਾਪੀ ਕਰ ਅਨੇਕ ਜੋ ਸਿਮਰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਪੱਸਿਆ ਪਾਸੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੋ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਭਜਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਭਜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਦੇ 18 ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਉਹ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਕ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਕ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਜੀਵ ਕੱਢੇ ਹੈ 96,20,00,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਬਣਾਓ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯਰਮ ਇਹ ਜਨਕ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਜੂ ਮੋਖੜੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਦਾਨ ਕਰੂ ਉਹ ਸੁਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਾ ਸੰਕਾ ਸੰਕਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨ ਇਹ ਸੰਕਾਰ ਇੱਕੀ ਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪਰਮ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਕਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਕਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਵ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹ ਸਿਧਾਵ ਸਾਹ ਸਾਧ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਸਾਧ ਨੇ
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਸਦਾ ਸਦਾਵਤ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ ਸਾਧ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਦਾਵਤ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ हे महाराज सुनू तो भी गाँवे है, सुन तो भी गाँवे मुड़ जन का अशल शला मुन का अर्थ है मुनि कहते हैं चुप हो जू मुनि, मुनि कहते हैं जिन्हें मन में जित लिया। मुड़ जन जेड़े वाहगुरु के जन है ना भगवान के हो चुके तुमको गाँवे है, तुमको तो वो भी गाँवे है। गाला अशल शला हे वाहिगुरु जिन्होंने माया को जित लिया जड़ चेतन को, तुमको वो भी गाँवे है सिमरते है। हे ईश्वर तुसी इतने बड़े हो ते एक एक दशना वाला मैं भी गाँव, तुसी इतने बड़े हो तुसी इतने बुलंद हो, हे भगवान मैं भी गाना है। सो ऐसे ए पट्टा ने सविचे उचार करे गुरु पांचवें पातशाह के सामने, हे महाराज सुनता ऐसे ऐसे गाँवे है ऐस तक उस तत् करे। सो इन्हों का महा महात्म जिहड़ा तुसीं सरवण करे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी।